क्या होगा अगर किंग ऑफ हेल लूसीफर, मॉर्निंग स्टार, सुपरमैन और शक्तिमान के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा? और इन तीनों में से सबसे पावरफुल कैरेक्टर कौन है? डीसी का मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो सुपरमैन, किंग ऑफ हेल लूसीफर, मॉर्निंग स्टार या इंडियन सुपर हीरो शक्तिमान? तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना ताकि तुम कुछ भी मिस ना करो। तो शक्तिमान, लूसीफर और सुपरमैन तीनों अपनी सुपर पावरफुल और सुपर डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेंथ की वजह से मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है और बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली उन्हें हरा पाए। सबसे पहले बात कर लेते हैं शक्तिमान वर्सेस सुपरमैन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। बादशाह में देखने को मिला था और ये पहली सुपर हीरो सीरीज थी जो पूरे भारत में फेमस हुई थी। बात करें, सदियां बीती और तीन युग बीते और वही इंसान जो इतने टाइम से शांति और प्यार से रह रहे थे, उनके दिल में लालच और बुराई आने लगी और इसी लालच और बुराई से इंसानियत खोखली होकर टूटती रही अगले 6,000 सालों तक। और इस सब को रोकने के लिए ऋषियों का एक समूह, जो कि खुद को सूर्यवंशी बुलाते थे, उन्होंने एक इंसान को चुना और उस इंसान को कुंडलिनी योगा के द्वारा अपने शरीर के साथ चक्रों को जागृत करके उनकी पावर्स को कंट्रोल करना सिखाया और इन चक्रास को जागृत करके उसे बहुत सारी सुपर नेचुरल और मैजिकल पावर्स मिली। और इन पावर्स पर पूरा कंट्रोल पाने के लिए उसने अपनी बॉडी को एक यज्ञ के दौरान यज्ञ की अग्नि में समर्पित कर दिया और डेथ की जगह उसे मिली सुपर नेचुरल और मैजिकल पावर्स और उसकी बॉडी 5 लाइफ एलिमेंट्स में ट्रांसफॉर्म हो गई, जिससे उजाली। और उसके इसी काम को देखते हुए एक रिपोर्टर जिसका नाम गीता विश्वास था, उसने उसका नाम शक्तिमान रखा। और बाद में हमें पता चला कि शक्तिमान एक्चुअली श्री सत्या का पुनर्जन्म है, जो कि महाभारत के टाइम में सूर्यवंशी का हिस्सा थे और वो अपनी इस लाइफ में एक नॉर्मल फोटोग्राफर रिपोर्टर है जिसका नाम है पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओमकारनाथ शास्त्री। बात करें कुछ बेसिक पावर्स की, तो शक्तिमान के पास सुपरह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टेमिना, ड्यूरेबिलिटी, फ्लाई, एनर्जी प्रोजेक्शन, एनर्जी मैनिपुलेशन, एलिमेंट मैनिपुलेशन और इमोर्टैलिटी जैसी पावर्स हैं। शक्तिमान अपनी बॉडी को 5 लाइफ एलिमेंट, फायर, एयर, अर्थ, स्पेस और वाटर में ट्रांसफॉर्म कर सकता है और उसकी यही चीज उसे मॉडल और अनडिफ्यूबल बना देती है, क्योंकि अगर संभव कोई उसे मारकर उसकी पूरी की पूरी बॉडी को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, फिर भी शक्तिमान नहीं मरेगा बल्कि 5 लाइफ एलिमेंट्स उसकी बॉडी को दोबारा से रिवाइव कर लेंगे। और जब तक हमारे यूनिवर्स में फायर, एयर, अर्थ, स्पेस या वाटर में से कोई एक भी एलिमेंट है, तब तक शक्तिमान को मार पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और अगर शक्तिमान का कोई एनिमी शक्तिमान को मारना चाहता है तो पहले उसे पूरे यूनिवर्स से इन 5 लाइफ एलिमेंट्स को डिस्ट्रॉय करना होगा, या इन अदर वर्ड्स पूरे यूनिवर्स को, उसके बाद खुद की बॉडी को और उसके बाद शक्तिमान को। पर अगर एक भी लाइफ एलिमेंट बच गया तो शक्तिमान दोबारा से रिबॉर्न हो जाएगा। शक्तिमान लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है, स्पेस में विदाउट ऑक्सीजन सांस ले सकता है, डायमेंशंस के बीच में ट्रैवल कर सकता है और सुपरमैन की तरह अपनी आंखों से लेजर पावर्स उसे मार्वल और डीसी के बहुत सारे सुपर हीरो से कई गुना ज्यादा पावरफुल बना देती है। साथ ही शक्तिमान के पास कॉस्मिक अवेयरनेस भी है, जिससे उसे अपने यूनिवर्स या मल्टीवर्स में क्या चल रहा है सब पता होता है। तो ये थी शक्तिमान की पावर्स। और शक्तिमान की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं सुपरमैन की और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर सुपरमैन कितना पावरफुल है। तो सुपरमैन डीसी यूनिवर्स का मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो है, जो कि क्रिप्टॉन नाम के एक प्लैनेट को बिलोंग करता है। लेकिन जब उसका प्लैनेट डिस्ट्रॉय होने वाला होता है तो उसके पेरेंट्स उसे अर्थ पर भेज देते हैं ताकि वो जिंदा रहकर सर्वाइव कर सके। बात करें कुछ बेसिक पावर्स की, तो सुपरमैन के पास सुपरमैन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टेमिना, ड्यूरेबिलिटी, फ्लाई और हीट विजन जैसी पावर्स है। सुपरमैन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और थॉर की तरह एज के साथ साथ उसकी पावर्स और भी बढ़ती जा रही है। सुपरमैन की पावर्स हमारे इंडिया के जादू से इंस्पायर्ड है। बस जहाँ पर जादू को अपनी पावर्स को यूज करने के लिए धूप की जरूरत होती है, वहीं पर शायद सुपरमैन के अंदर एक बहुत ही पावरफुल बैटरी है, जो कि एक बार चार्ज हो जाने के बाद सुपरमैन को रात के लिए भी लड़ने के लिए पावर प्रोवाइड करती है। सुपरमैन एक बार फुल चार्ज हो जाने के बाद साउंड बैरियर से भी ज्यादा तेज उड़ सकता है और ऑलमोस्ट फ्लैश के बराबर ही फास्ट है, जिससे हम जस्टिस लीग में देख भी चुके हैं। सुपरमैन अपनी आंखों से डेडली लेजर लाइट छोड़ सकता है, चीजों के आर पार देख सकता है और बहुत ही दूर से आ रही आवाज को भी क्लियरली सुन सकता है। सुपरमैन स्पेस में विदाउट ऑक्सीजन सांस ले सकता है और सुपर ब्रेथ का भी यूज कर सकता है, जिसका यूज करके वो किसी भी चीज को बर्फ में बदलकर उसे इजीली तोड़ सकता है। सुपरमैन बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है, जो कि सन के कोर की गर्मी को भी सरवाइव कर सकता है और बड़े से बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो ये थी सुपरमैन की पावर्स। और सुपरमैन और शक्तिमान की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं फाइट कंपैरिजन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा। तो सुपरमैन डीसी यूनिवर्स का मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और वो अपने एक ही अटैक में पूरे के पूरे प्लैनेट तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। पर पावर्स के मामले में शक्तिमान सुपरमैन से कई गुना ज्यादा पावरफुल है। सुपरमैन के पास सुपर स्ट्रेंथ है पर शक्तिमान के पास इमेंसिव स्ट्रेंथ है और उस स्ट्रेंथ के मामले में सुपरमैन से कई गुना ज्यादा पावरफुल है। सुपरमैन अपनी आंखों से लेजर लाइट छोड़ सकता है पर शक्तिमान पर इसका कोई भी असर नहीं होगा। और मान लो अगर सुपरमैन संभव अपनी लेजर लाइट से शक्तिमान की पूरी बॉडी को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, फिर भी शक्तिमान नहीं मरेगा बल्कि 5 लाइफ एलिमेंट फिर से उसको रिवाइव कर लेंगे। और सुपरमैन चाहे कितना ही पावरफुल क्यों ना, वो एटलीस्ट 5 लाइफ एलिमेंट्स को तो यूनिवर्स से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता।
सकता, और जब तक इन पांच लाइफ एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट भी शक्तिमान के आसपास अवेलेबल है तब तक शक्तिमान इमॉर्टल है। जबकि दूसरी तरफ सुपरमैन पावरफुल तो बहुत है पर एटलीस्ट वो इमॉर्टल नहीं है, और इवन बैटमैन तक उसे मार चुका है। और अगर शक्तिमान चाहे तो शक्तिमान के लिए क्रिप्टोन जाके क्रिप्टोनाइट लाना भी उतनी बड़ी बात नहीं है। इन दी एंड सुपरमैन अपना बेस्ट देगा, पर डीसी का मोस्ट पावरफुल सुपरहीरो ना ही शक्तिमान को हरा सकता है और ना ही उसे मार सकता है, जबकि शक्तिमान सुपरमैन को मार भी सकता है और उसे हरा भी सकता है। हालांकि शक्तिमान सुपरमैन को नहीं मारेगा क्योंकि शक्तिमान बुराई को मारता है ना कि बुरे लोगों को, पर एटलीस्ट वो उसे इजीली हरा और मार सकता है। और इस तरह से शक्तिमान इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर होगा, और फाइट में चाहे जो भी हो इन द एंड जीतेगा शक्तिमान ही। तो बात करते हैं शक्तिमान वर्सेस लूसीफर की, और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। बात करें लूसीफर की, लूसीफर का पूरा नाम लूसीफर मॉर्निंग स्टार है, जो कि गॉड की फर्स्ट और ग्रेटेस्ट क्रिएशन है। इसलिए गॉड ने उसे ऑलमोस्ट परफेक्ट बनाया था और वो सबसे पावरफुल एंजल है। लूसीफर स्टार्टिंग में एक एंजल ही था और वो बाकी एंजल्स के साथ हेवन में जाता था, पर बाद में उसे गॉड ने वहां से निकाल कर हेल का रूलर बना दिया, जिसके बाद वो बना किंग ऑफ हेल, और यहीं से उसे उसके डेविल और सैटन जैसे नाम मिले। लूसीफर गॉड की फर्स्ट और ग्रेटेस्ट क्रिएशन था, इसलिए वो सबसे पावरफुल एंजल है जिसके पास बहुत सारी गॉडली पावर्स भी है, और वो पावर्स के मामले में ऑलमोस्ट गॉड के ही बराबर पावरफुल है। पर टाइम के साथ चीजें चेंज हुई और गॉड ने उसे हेवन से निकाल कर हेल भेज दिया, जिसके बाद वो बना किंग ऑफ हेल डीमन लॉर्ड डेविल। बात करें लूसीफर की पावर्स की, तो लूसीफर के पास गॉडली स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी, फ्लाई और इमोर्टैलिटी जैसी पावर्स हैं। और गॉडली पावर्स को तुम सुपरह्यूमन पावर से बिल्कुल भी कंपेयर मत करना क्योंकि इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। लूसीफर के पास इमेंसिव स्ट्रेंथ है, और वो अगर अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज करे तो वो अपने एक ही अटैक में पूरे के पूरे यूनिवर्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और बहुत ही कम ऐसे करेक्टर्स हैं जो एक्चुअली उसकी पावर्स को मैच कर सकते हैं। लूसीफर के पास गॉडली स्पीड है, और वो किसी भी सर्वाइविंग बींग से ज्यादा फास्ट है, जो कि विद इन अ ब्लिंक ऑफ आई हेल या हेवन में पहुंच सकता है। लूसीफर बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल है, और उस पर अर्थ या किसी भी दूसरे प्लैनेट की वेपन्स का कोई भी असर नहीं होता, और उसको मारना या हार्म करना सिर्फ हेल या हेवन के वेपन से ही पॉसिबल है। लूसीफर के पास सुपर हीलिंग और रीजनरेशन की भी पावर है, जिससे वो अपने किसी भी बॉडी पार्ट को दोबारा से रीग्रो कर सकता है। साथ ही उसके पास कॉस्मिक अवेयरनेस भी है, जिससे उसे उसके यूनिवर्स या मल्टीवर्स में क्या चल रहा है सब कुछ पता होता है। लूसीफर एंटमैन की तरह अपने साइज को छोटा बड़ा कर सकता है, हेल फायर को मैन क्रिएट कर सकता है, डायमेंशंस के बीच में इजीली ट्रैवल कर सकता है, और मरे हुए लोगों को दोबारा से जिंदा भी कर सकता है। और अगर तुम्हें ये भी कम लग रहा है तो लूसीफर किसी की भी बॉडी से उसकी सोल को निकाल सकता है, डीमंस और एंजल्स के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, और टाइम को भी फ्रीज कर सकता है। लूसीफर जीनियस लेवल इंटेलिजेंट है, और वो जैसे अपनी डेमन वाली फॉर्म में जाता है उसकी पावर्स और भी कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि वो उसकी ट्रू फॉर्म है, और वो इसमें लोगों की डीपेस्ट और डार्केस्ट डिजायर्स का भी पता लगा सकता है, उन्हें इल्यूजन सिखा सकता है, और उन्हें हेल में भी ट्रैप कर सकता है। वैसे तो लूसीफर के पास और भी बहुत सारी पावर्स है, लेकिन अगर हम उन सबके बारे में बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी और उसे कोई नहीं देखेगा, इसलिए फिलहाल के लिए इतनी बहुत है। और लूसीफर आज तक सिर्फ एक बैटल हारा है, जब सभी एंजल्स ने मिलकर उसे हेवन से निकाला था। तो ये थी लूसीफर की पावर्स, और लूसीफर और शक्तिमान की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं फाइट कंपैरिजन की, और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा। तो लूसीफर बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है, जो कि पहले एक एंजल था और अब डेमन लॉर्ड डेविल है, जिसके पास बहुत सारी गॉडली पावर्स भी है। जबकि दूसरी तरफ शक्तिमान एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग था और अब भी वही है, बस कुछ सुपरनैचुरल पावर्स के साथ जो कि उसे कुंडलिनी योगा से मिली है। लूसीफर लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है, और उसको मारना या हार्म करना सिर्फ हेल या हेवन के वेपन से ही पॉसिबल है। जबकि दूसरी तरफ शक्तिमान भी लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है, पर उसे मारना या हार्म करना हेल या हेवन के वेपन से भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर लूसीफर शक्तिमान की बॉडी को हेल या हेवन की वेपन या हेल फायर से कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय भी कर देता है, फिर भी शक्तिमान नहीं मरेगा, बल्कि फाइव लाइफ एलिमेंट्स उसको फिर से रिवाइव कर लेंगे। लूसीफर बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है, जो कि अपने एक अटैक में पूरे के पूरे यूनिवर्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है, पर इसका भी शक्तिमान पर ज्यादा कुछ असर नहीं होगा, क्योंकि वो तब तक नहीं मर सकता जब तक पांच लाइफ एलिमेंट्स में से एक भी उसके आसपास है, और पांचों लाइफ एलिमेंट्स का यूनिवर्स से खत्म होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। दूसरी तरफ लूसीफर इमॉर्टल तो है, पर उसको मारना एक्चुअली हेल या हेवन के वेपन से पॉसिबल है, और क्योंकि शक्तिमान हमारा इंडिया का सुपर हीरो है, इसलिए उसके लिए अपने गुरुओं या किसी देवता से हेल या हेवन के वेपन का जुगाड़ करना उतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है। पर शक्तिमान बुराई को खत्म करता है, बुरे लोगों को नहीं, इसलिए मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि शक्तिमान लूसीफर को मारने की जगह उसके खिलाफ होल्ड बैक करके उसे समझाने या उसे हराने की कोशिश करेगा। जबकि दूसरी तरफ लूसीफर के लिए जीतना ही सब कुछ है, और वो जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इन दोनों के पास ही एक दूसरे को मारने के लिए इनफ पावर्स नहीं है, और ना ही ये दोनों कभी हार मानेंगे, इसलिए पॉसिबल है कि ये फाइट अगले हजारों सालों या इटर्निटी तक ऐसे ही चलती रहे। पर बात करें एंड रिजल्ट की, तो पांचों लाइफ एलिमेंट्स का यूनिवर्स से गायब होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, जबकि शक्तिमान को हेल या हेवन की वेपन मिल सकती है, और शक्तिमान अपने गुरुओं या देवताओं की हेल्प से हेल या हेवन की वेपन ला सकता है, इसलिए एटलीस्ट
मेरे हिसाब से इस फाइट के जीतने के चांसेस शक्तिमान के ज्यादा है, जिसमें संभव शक्तिमान हेलिया हेवन की वेपन को अरेंज करके लूसिफर को हरा कर इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर बन सकता है। और एटलीस्ट मेरे हिसाब से ये फाइट बहुत ज्यादा लंबी चलेगी, बट एंड में इस फाइट का विनर शक्तिमान ही होगा। बाकी आपके हिसाब से इस फाइट की और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनानी चाहिए कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।